नगरीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक कुणाल कुमार ने मंगलवार को नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नागपुर शहर में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट के लिए बनाए जा रहे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस सेंटर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नागपुर स्मार्ट सिटी द्वारा स्थापित किया गया है। केंद्र में 32 बड़ी स्क्रीन है। इस सेंटर से शहर में लगभग 3600 कैमरों के जरिए नागपुर पुलिस नागपुर में अपराधियों पर नजर रखेगी। इसके माध्यम से पुलिस विभाग यातायात नियंत्रण एवं डायल 112 के माध्यम से एक ही स्थान से शहर में विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकेगा। राधाकृष्णन बी प्रशासक और आयुक्त नागपुर नगर निगम नेहा झा, मुख्य वित्तीय अधिकारी स्मार्ट सिटी भानुप्रिया ठाकुर, कंपनी सचिव डॉ. राजेश दुफारे, महाप्रबंधक ई गवर्नेंस शील धूले, योजना विभाग के प्रमुख डॉ. राहुल पांडे, प्रमुख पर्यावरण विभाग प्रणीता उमरेडकर भी मौजूद थी। थर्ड पिलर इज अबाउट SOPs, सो दैट इज ऑपरेशनल। इसी का ऑपरेशन पीरियड, वॉट इज द प्रोटोकॉल फॉर पुटिंग दिस सेंटर ऑन 24/7, हाउ डू यू प्रिवेंट दिस सेंटर इटसेल्फ फ्रॉम हैजर्ड। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।